तो आज हम लोग अपने किचन में बनाएंगे दही कचौड़ी चाट। ये चाट सबसे अलग होने वाली है, बिल्कुल मूड फ्रेश रेसिपी। हेलो एवरीवन, मैं नीलू स्वागत करती हूँ आप सबको अपने चैनल नीलूज क्रिएटिविटी में। सबसे पहले हम कचौड़ी का आटा सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है, उसमें मैंने 1/2 टीस्पून के करीब नमक डाला है। और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल, और इसके साथ ही हम पानी को ऐड करते हुए आटा को थोड़ा सा स्मूथ लगा लेंगे। ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा मुलायम होना चाहिए इसका आटा, क्योंकि हमें इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखना है। तो जब हम इसे रेस्ट में रखेंगे तो ये ऑलरेडी थोड़ा मुलायम हो जाएगा। तो आप इस टाइम पे इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाएं और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं लगाएं। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। ये बड़े से लेके बच्चों तक सबको बहुत पसंद आता है। तो आप एक ना एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो देख सकते हैं हमारा आटा भी सेट हो चुका है। तो हाथों में हम थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए आटे के ऊपर ऑयल का थोड़ा सा कोट करेंगे, फिर हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम अपना स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। इसमें स्टफिंग करने के लिए मैंने आलू का यूज़ किया है। आलू का स्टफिंग हम डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6 से 7 आलू ले लिया है, बॉयल आलू है। हमें इसे बिल्कुल बारीक तोड़ लेना है, हमें इसे बिल्कुल चोखा के जैसा पेस्ट नहीं करना है, बस थोड़ा सा छोटा छोटे टुकड़े कर लेने हैं। और दूसरी तरफ हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है, जिसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला, थोड़ा सा कलौंजी, थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन आप ज़रूर डालें, ये डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच डाला अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा मूंगफली डाल रही हूँ। मूंगफली मेरा भुना हुआ नहीं था, इसीलिए मैंने मसाले के साथ में ही ऐड कर दिया। आप चाहें तो भुना हुआ अगर ले रहे हैं तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें डाला हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैंने डाला इसमें गरम मसाला पाउडर, बिल्कुल 2 चुटकी डालते हुए। इसके बाद मैंने इसमें जो आलू बारीक तोड़ के रखा था आलू को ऐड किया। और आलू के साथ हम मसाले में इसमें डाल रहे हैं रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा 1 चम्मच भर के चाट मसाला, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, साथ में मैंने इसमें ऐड किया नमक। इतने मसाले इसके लिए काफ़ी है। आप अगर चाहे तो इसके ऊपर यहाँ पे गाजर भी ऐड कर सकते हैं कद्दूकस करके, या फिर अगर बॉयल चना हो, मटर हो, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। सारे चीज़ों को डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। 1 मिनट भूनने के बाद आप इसे अलग किसी बाटी में निकाल लें ताकि ये जल्दी ठंडा हो। जब तक मैं हमने स्टफिंग बनाया तब तक मैं हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। देख सकते हैं आटा हमारा कितना अच्छा है, बिल्कुल जैसा चाहिए वैसा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसे लोइया कट कर लेते हैं। आप जितनी बड़ी कचौड़ियाँ बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग लोई कट कर लें। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं बनाऊँगी, मीडियम आकार का बना रही हूँ। तो देख सकते हैं, तो इस तरीके से हम पहले सारे लोई कट कर लेते हैं ताकि हमें स्टफिंग डालने में सुविधा हो। और हम एक लोई को इस तरीके से लेते हुए आप इसे हाथों की हेल्प से चिकना करें और इसे बीच में होल करते हुए हम इसमें डालेंगे स्टफिंग। तो इसमें आपने जितनी बड़ी लोई ली है उसके अकॉर्डिंग ही स्टफिंग डालें, 1 से 1.5 चम्मच के करीब। स्टफिंग डालने के बाद आपको इसे बंद बहुत अच्छे से करना है ताकि ऑयल में जाके इसका मुंह नहीं खुले। एकात के खुल जाते हैं, इसे कोई बड़ी बात नहीं है, बट सारे के नहीं खुलने चाहिए। तो इसके मुंह को आपको अच्छा से बंद करना है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से दबा दबा के आप इसे बंद करें ताकि ऑयल में जाने के बाद इसका मुंह ना खुले। तो देख सकते हैं इस तरीके से आप इसे जितना अच्छा चिकना करके इसे बंद करेंगे ये ऑयल में बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो हम हाथों के हेल्प से ही इसे थोड़ा सा चिकना करके थोड़ा सा इसे चिपटा कर लेंगे कचौड़ी के शेप में। आप चाहे तो थोड़ा सा चकला बेलना पे बेल भी सकते हैं, बट यहाँ हाथों के हेल्प से ही हो जाता है बहुत अच्छे से। और आपका ये फ्राई भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, ये फूलेगा भी अच्छे से। इसी तरीके से हम और भी कचौड़ी रेडी कर लेते हैं स्टफिंग डालकर, ताकि एक बार में हम ऑयल में जितने तल सके उतना रेडी कर लेते हैं हम। इसके स्टफिंग को मैंने सिंपल ही रखा है बच्चों का भी ध्यान में रख के, बट आप अगर चाहे तो इसे और थोड़ा स्पाइसी और थोड़ा मसालेदार, इसमें गाजर ऐड कर सकते हैं, बंद गोभी भी आप ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं इसमें बिल्कुल बारीक कट करके। तो यहाँ पे मैंने 4 कचौड़ियाँ रेडी कर ली। दूसरी तरफ हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो हम इसमें एक छोटी सी लोई डालकर चेक कर लेते हैं ऑयल हमारा कैसा गर्म है। इसमें आपको जब आप कचौड़ियाँ डाल रहे हैं ऑयल बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए ताकि हमारी कचौड़ी बिल्कुल सख्त बने, करारी बने। और बाद में आप जब एक बार इसे पलट दें तब आप इसकी
हीट को मीडियम कर ले, बट अभी आप बिल्कुल मीडियम से लो रखें ताकि ऑयल हमारा बिल्कुल हल्का गर्म रहे। जितना कम गर्म ऑयल में डालेंगे आपकी कचौड़ियाँ उतनी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी और ये अच्छे से फूलेगी भी। तो हम इसी तरीके से इसे पलट पलट कर हर तरीके से अच्छा सा भून लेंगे, बिल्कुल गोल्डन कर लेंगे। देख सकते हैं हमारी कचौड़ी बिल्कुल गोल्डन हो चुकी है, और मैं ये अभी बहुत गर्म है इसलिए मैं दिखा नहीं सकती कि बहुत ज़्यादा करारी हुई है, बिल्कुल जैसा हमें चाट के लिए करारी चाहिए बिल्कुल वैसा ही है। और इसी तरीके से हम अपनी सारी कचौड़ियाँ तल लेंगे। पहले आप चाहे तो इसे आप चाट ना भी बनाए, इसी तरीके से इस कचौड़ी को आप नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में या शाम के समय चाय के साथ आप बना के भी सर्व करें, चटनी के साथ, चाय के साथ, तो ये वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। बट अगर आप चाहते हैं इसे और थोड़ा सा टेस्टी बनाना तो आप इसे चाट का लुक दे, ये और भी ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार और सबको पसंद आने वाली ये बनेगी आपकी चाट की रेसिपी। यहाँ पे मैंने कचौड़ियाँ तल के रेडी कर ली हैं, और ये चाट के लिए मैंने यहाँ पे दही लिया हुआ है, दही को मैंने फेंट के बिल्कुल स्मूथ कर लिया है, और यहाँ पे ग्रीन चटनी और ये ब्लैक चटनी बिल्कुल खट्टी मीठी तीखी वाली, इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, चाहे तो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। साथ में हरा धनिया और ये मूँग का बूंदी है, बिल्कुल नमकीन क्रिस्पी मसालेदार, इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर है। और इसके बाद मैंने इसमें यहाँ लिया है बिल्कुल बारीक कट किया हुआ प्याज, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा भुना हुआ जीरा पाउडर। अब करते हैं चाट की तैयारी। तो यहाँ मैं दो कचौड़ी से चाट बना रही हूँ। पहले तो कचौड़ियों को आपको इस तरीके से थोड़ा सा इसे तोड़ लें ताकि दही बिल्कुल अंदर तक इसमें जा सके, और हमें इसे दही में डिप करना है। आप चाहे तो इसके ऊपर भी दही डालकर इसे चाट डेकोरेट कर सकते हैं, पर दही में डिप करने से क्या होता है कि अच्छे तरीके से दही में ये डिप होता है, जब आप इसे कट करके माउथ में लेंगे, मुंह में, तो आपको बिल्कुल दही वाला टेस्ट आएगा। हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा दही डाल लेते हैं, अच्छे से फैला लेते हैं, क्योंकि हम ये दही कचौड़ी चाट बना रहे हैं तो इसमें दही डालना तो बनता है। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा भुना हुआ जीरा पाउडर, फिर इसके ऊपर हम डालेंगे बारीक कट किया हुआ प्याज, आप चाहे तो यहाँ गाजर भी ऐड कर सकते हैं कद्दूकस करके, और साथ में यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं ग्रीन चटनी, ये भी बहुत टेस्टी वाली ग्रीन चटनी है, इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसके ऊपर ब्लैक चटनी, साथ में इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ मूंग दाल का बूंदी, ये भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल मसालेदार है, जो हमारे चाट के टेस्ट को और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाएगी। इसके ऊपर मैंने डाला है भुजिया, फिर से हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा दही, थोड़ा सा ग्रीन चटनी, थोड़ा ब्लैक चटनी, और हम अब इसके ऊपर लास्ट गार्निश करेंगे हरे धनिए की, और बस आपके चाट फटाफट 2 मिनट में रेडी है। आप इसे बनाए, टेस्ट करें, खुद भी खाए, दूसरों को भी खिलाए, और मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप इस रेसिपी को दही के बिना भी सर्व कर सकते हैं, जस्ट एक कचौड़ी को आप डेकोरेट करके सजा के आप सर्व करें। देख, मैं ये भी तरीका दिखा देती हूँ, जस्ट आप कचौड़ी को थोड़ा सा आप इसमें थोड़ा सा कचौड़ी को तोड़ते हुए इसके ऊपर डालें ग्रीन चटनी, और इसके ऊपर डालिए थोड़ा सा प्याज, फिर डालिए इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, और इसके ऊपर डालिए थोड़ा सा सेव या भुजिया, और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा मूँग दाल की क्रिस्पी बूंदी, अगर आपके पास अवेलेबल हो डालिए, नहीं हो तो उसे आप स्किप कर दें। फिर हम डालेंगे ब्लैक चटनी थोड़ी सी, थोड़ा सा हरा धनिया, आप चाहे तो ग्रीन चटनी भी ऐड करें यहाँ पर, और बस आपका यहाँ पर कचौड़ी भी रेडी है और चाट भी रेडी है, आपको जैसे खाना हो आप खाए। थैंक यू सो मच।